सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चातुर्मास क्या होता है, पुरुषोत्तम मास क्या होता है, ये 2023 में कब आ रहा है, इसकी डेट्स क्या हैं, वैष्णव परंपरा अनुसार ये कब है और इसका महात्म्य क्या है। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में यानी कि आज मैं आपके साथ 16 पॉइंट शेयर करूंगी जो चातुर्मास में हमें करने चाहिए और क्या क्या नहीं करने चाहिए। सो मैं ये पॉइंट्स जो शेयर करूंगी इसमें से एक पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये लास्ट में शेयर करूंगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू योर ओन कृष्ण बंधु चैनल। सो लेट्स सी कि हमें क्या क्या कर सकते हैं हम इस चातुर्मास में और स्पेशली पुरुषोत्तम मास में। सो पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए कि मोस्टली डिवोटीज धाम वास करते हैं इन चातुर्मास में, जो ब्राह्मण हैं, जो वैष्णव हैं, साधुगण हैं, वो धाम का वास करते हैं। वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि चारों मास हम धाम में रहें, मायापुर, वृंदावन या कोई भी धाम। और अगर पॉसिबल नहीं है चारों मास में तो एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि इन चारों मास में से एक बार हम धाम का विज़िट ज़रूर करें, ज़रूर किसी ना किसी धाम जाएं और साधुओं के साथ, भक्तों के साथ जाएं और वहां के बारे में गुणगान सुने, वहां निवास करें कुछ टाइम के लिए। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो जो अपने आसपास टेम्पल्स हैं वहाँ पर जाके हमें वहाँ पर सेवा करनी चाहिए, कथा करनी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि टेम्पल्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम धाम ऑल्सो। सेकेंड थिंग वॉट वी कैन डू कि हम एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए हमें कि हम ब्रह्म मुहूर्त में डेली उठेंगे और जो अपना जप है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करेंगे, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जो भगवान है वो सुबह उठ जाते हैं और सुबह वो देखते हैं कि कौन मेरा भक्त कहाँ मेरा नाम ले रहा है, दिन में तो सब बिजी हो जाते हैं। सो एक दृढ़ संकल्प हमें लेना चाहिए कि डेली मैं सूर्यास्त से एक डेढ़ घंटा पहले उठकर स्नान आदि करके मैं जप करूँगा। और कोशिश करनी चाहिए कि 16 माला तो सभी करते हैं, तो 16, 18, 20, 24, 64 जितना भी पॉसिबल हो अपनी शक्ति अनुसार और अपना अपनी परिस्थिति अनुसार जितनी भी पॉसिबल हो हमें अपने जप को भी बढ़ाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जप करने का संकल्प लेना चाहिए। तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, उनके ग्रंथों का और उनके जो लेक्चर्स हैं उनका श्रवण कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं उनके लेक्चर्स का हम श्रवण कर सकते हैं और इस तरह से अपना जो ये समय है अधिक से अधिक हम शास्त्रों के लिए और भक्तों की कथा को सुनने में यानी कि शुद्ध वाणी को सुनने में लगा सकते हैं। चौथी चीज़ क्या कर सकते हैं, हम दान दे सकते हैं। शास्त्रों में तो वर्णन है कि हमें सोने का दान देना चाहिए, बट एटलीस्ट अगर हम अपने इस सोने का भी दान देते तो वो भी बहुत बड़ी बात है अभी कलयुग के टाइम पर। सो हमें इस टाइम पर सोने का दान देना चाहिए या अपनी एटलीस्ट जो हमारा कम्फर्ट लेवल है उसका हमें दान देना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, लेट्स सी, तो जो भागवत में जो स्तुतियाँ हैं जैसे गजेंद्र स्तुति है, कुंती स्तुति है, गोपी गीत है, दामोदर अष्टकम है, जैसे हम करते भी हैं अलग अलग दामोदर मास में हम दामोदर अष्टक का पाठ करते हैं, गोपी गीत का पाठ करते हैं, तो ऐसे भी भीष्म स्तुति है, जो स्तुतियाँ हैं बेसिकली भागवतम में वो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका उनको गा सकते हैं, उनका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनके भक्तों की ही स्तुति में, भक्तों के ही शब्दों में उनका गुणगान करते हैं, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। सो हम उन स्तुतियों का पाठ कर सकते हैं। और अगर समय कम है और गीता के लिए थोड़ा बहुत रुचि अधिक बढ़ रही है तो गीता का भी पाठ कर सकते हैं, महीनों में हर दिन हम हर चैप्टर का पाठ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सिक्स पॉइंट, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन गा सकते हैं, राधा कृष्ण प्राण मो जुगल किशोर, इस तरह के भजन हम राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गा सकते हैं, जय निताई जय निमाई निताई निमाई, हम गौर निताई की प्रसन्नता के लिए भजन गा सकते हैं, जो भी हमारे वैष्णव भजन है हम इनको भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें गाना चाहिए। सेवेंथ, और क्या कर सकते हैं, एकादशी, चार मास यानी कि 8 एकादशी, तो पॉसिबल है अगर स्वास्थ्य आपको, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, अगर आपकी बॉडी आपको कोई दिक्कत नहीं देती इस मामले में, सो आप इन 8 एकादशियों में ये निश्चय कर सकते हैं कि ये 8 एकादशी मैं निर्जल करूँगा या निर्जल करूँगी, पॉसिबल हो तो, वरना हम
थोड़ा बहुत जितनी तपस्या अगर बढ़ा सकते हैं इन कंपैरिजन बाकी एकादशी तो वो भी कर सकते हैं, या दिन के 12 बजे तक केवल निर्जला रख सकते हैं फिर बाकी का कर सकते हैं नॉर्मल, एज इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको जो भी आपको आपकी बॉडी के अनुसार सही लगे, बस थोड़ा तपस्या हमें बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? 8th पॉइंट, तुलसी महारानी की सेवा कर सकते हैं। तुलसी महारानी जो भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं, उनकी हम सेवा कर सकते हैं। कैसे? ब्रह्म मुहूर्त में उनका दर्शन करके, उनकी प्रदक्षिणा करके, और उन्हें दीप दान कर सकते हैं, उनके सामने जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, उनके ग्लोरिफिकेशन के लिए, उनके महिमा गान के लिए, उन्हें उनकी भजन, उनकी स्तुति कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ दंडवत कर सकते हैं। ये निश्चय कर सकते हैं कि मैं डेली इतने नंबर दंडवत या पंचांग, जैसे जो माताएं हैं पंचांग प्रणाम करती हैं, तो वो मैं तुलसी महारानी को ऑफर करूंगा सुबह शाम। जो हमारे षड गोस्वामी गण हैं वो 3 चीज़ें डेली करते थे, डेली विदाउट फेल, अपना जप कि इतने नंबर ऑफ राउंड्स वो डेली करते थे, दूसरा भजन या अष्टक गाते थे, तीसरा वो दंडवत, वो फिक्स नंबर ऑफ दंडवत डेली लगाया करते थे भगवान को। तो हम तुलसी महारानी की प्रसन्नता के लिए ये सब कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? दीप दान कर सकते हैं हम भगवान को। वैसे तो हम दामोदर मास में या कार्तिक मास में दामोदर भगवान को दीप दान करते ही हैं, उस मास में तो हम करते ही हैं, बट हम ये भी कर सकते हैं कि हम पूरे चातुर्मास में भी दीप दान कर सकते हैं भगवान को, और कई भक्त तो अखंड दीप दान भी करते हैं। तो अगर इस चातुर्मास में हम भगवान को दीप दान डेली करते हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा। और क्या कर सकते हैं? वैष्णव सेवा, जो सबसे उत्तम है, भगवान अपने शिक्षा गुरु और वरिष्ठ वैष्णवों मंदिर में हम सेवा दे सकते हैं, जो कि सबसे उत्तम है। और 11वां, ब्रह्मचर्य का पालन। वैसे तो जो ब्रह्मचारी हैं वो तो ब्रह्मचर्य का पालन करते ही हैं, बट जो गृहस्थ हैं वो ये डिसाइड कर सकते हैं, वो निश्चय कर सकते हैं कि इस चातुर्मास में एटलीस्ट हमें ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, और आइडियली भी हमें इन चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने मन से, अपने शरीर से और अपने चित्त से भी। 12th पॉइंट, और क्या कर सकते हैं? अपनी निद्रा का त्याग कर सकते हैं। इस मास में, इन मासों में हमें कम से कम सोने का प्रयास करना चाहिए, जितनी शरीर को ज़रूरत है उतना हमें सो सकते हैं, बट एक्सेस ऑफ स्लीप अच्छा नहीं है। और क्या कर सकते हैं? 13th पॉइंट, झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करनी है, ग्राम्य जो कथा है उस पर अपना ज़्यादा समय ना दे, वेस्ट ना करें वेस्ट, तो बहुत अच्छा है। इस वक्त हमें हरी कथा में, अब भगवान के श्रवण में, भगवान के ग्लोरिफिकेशन में, भक्तों की सेवा में, भक्तों से कृष्ण कथा करने में अधिक समय लगाना है। और क्या करना है? 14th पॉइंट, हर एक महीने हमें एक पदार्थ का त्याग करना होता है, और ये तो आइडियली करना चाहिए, शास्त्रों में भी ये इसका वर्णन है कि हमें एक पदार्थ का त्याग करना चाहिए। जैसे पहले महीने में हमें हरे पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक एक्सेट्रा, इसका त्याग करना है। दूसरे महीने में हमें दही और उसके बने हुए व्यंजन का त्याग करना है। तीसरे महीने में हमें दूध और उससे बनी हुई चीज़ों का त्याग करना है। और चौथे महीने में उड़द दाल और उससे बने हुए व्यंजन का त्याग करना है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? 15th पॉइंट, कि अपनी इच्छा अनुसार जो हमें बहुत फेवरेट, हमारा जो फेवरेट फूड है, हर एक महीने उसका त्याग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो आप पहले महीने में उसका त्याग कर सकते हैं, भगवान से बोल सकते हैं कि मैं इस महीने इसका त्याग करूंगा, दूसरे महीने किसी दूसरे पदार्थ का, इस तरह से कर सकते हैं। और कई भक्त लोग तो पहले महीना तो एक छोड़ा ही छोड़ा, दूसरे महीने उस पहला वाला पदार्थ भी छोड़ा और दूसरा एक और पदार्थ छोड़ देते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, इस तरह से तीसरे महीने में 3 और चौथे महीने में 4 फूड आइटम्स। तो जो हमें अच्छा लगता है, बेसिकली अपने जो जिह्वा की जो ये जो इंद्रिय है इसकी तृप्ति हमें कम करनी है। और जब अब चातुर्मास खत्म होता है तो भरपेट प्रसाद लीजिए। अब आता है लास्ट पॉइंट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये जो 15th पॉइंट मैंने शेयर किए, जो इन 15 पॉइंट्स में से आप जो भी कर सकते हो उन्हें फॉलो कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे करने हैं, जो भी यथाशक्ति, यथाभक्ति और परिस्थिति अनुसार आपके लिए पॉसिबल हो वो कीजिए। ऐसा नहीं हो कि पहले दिन सोच लिया अब तो मैं डेली 64 माला करूँगा या करूँगी, और एक हफ्ते बाद आ गए 16 पे वापस, या 16 से भी कम में। ऐसा नहीं करना है। पहले दिन जो भगवान के सामने हमने संकल्प लिया है, जो व्रत लिया है, उसका पालन चारों महीने करना है, क्योंकि अगर व्रत तोड़ते हैं तो जो फल इकट्ठा किया वो भी खो देते हैं।
तो बेटर है व्रत कम लें, निश्चय कम लें, लेकिन फॉलो उसे कंसिस्टेंट वे में करें चारों महीने। और अगर परिस्थिति अच्छी है, भक्ति अच्छी है, तो व्रत अधिक लें और तीव्रता पूर्वक करें। तो अब चातुर्मास बस आने वाला है, अपने निश्चय, अपने लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, टू डू लिस्ट। तो रेडी हो जाइए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन नॉट टू मिस एनी अपडेट।